कास्पर, ये जो स्पेक्टेटर की स्पेक्टेटर में जो मैगजीन में दावा किया गया है, इसमें पाकिस्तान अपना रोल कहां पर देख रहा है? जो स्थिति अफगानिस्तान में अभी बनती हुई नजर आ रही है, सत्ता का संघर्ष जहां पर जाता हुआ नजर आ रहा है, इसमें पाकिस्तान कहां पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है अभी? देखें, पाकिस्तान का तो मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन इसलिए नहीं बनता कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, जिस फोरम पे भी जाए वो यही एक सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि आप लोग पूरी दुनिया उनको रिकॉग्नाइज कर ले। आप ये देख लें कि इसके बाद सारे क्वेश्चन नल एंड वॉइड हो जाते हैं कि इस एक सेंटेंस पे वन लाइनर कि पाकिस्तान उनके लिए, तालिबान के लिए पूरी दुनिया को रिक्वेस्ट करें कि आप इनको रिकॉग्नाइज करें, तो आप पाकिस्तान की पोजीशन बहुत बाखूबी समझ सकते हैं। दूसरा, जो अभी ये जो दावा किया जा रहा है कि उनकी एक की डेथ हो गई है दूसरे को कह रहे थे, दैट इज बेसलेस। मैं खुद आपको बता दूं, मेरी अपनी एक सोर्स के थ्रू अभी 7 घंटे पहले दोनों के साथ, आप समझ सकते हैं कि TV9 की उनके साथ कम्युनिकेशन हुई है कि वो दोनों ठीक है। अखुंदजादा इस वक्त वो जो अखुंद है वो इस वक्त अफेयर चला रहे हैं, पर दूसरे अपनी जगह पे धड़ों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मुल्ला ब्रादर की बात करें। ये करेक्ट न्यूज है, बहुत बड़ी और मैं आपको एक बड़े दावे से कह सकता हूँ, ये बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं, क्योंकि स्पेक्टेटर में जो दावा किया गया है उससे इतर ये दावा आपकी तरफ से किया जा रहा है। और अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी बात है, और स्पेक्टेटर में किया गया दावा भी खारिज होता है अगर यही सच है तो। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।